हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे 5 मिनट इंजीनियरिंग के चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है FDMA, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो पड़े हुए हैं इस FDMA पे, लेकिन किसी ने भी इस तरीके से समझाया नहीं होगा जिस तरीके से आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि FDMA क्या होता है, FDMA के क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, फीचर्स क्या है, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। इतनी आसान तरीके से आपको बताऊंगा FDMA क्या होता है। सबसे पहले तो ये है आपका चैनल, जो आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम दिख रहा है वो है आपका चैनल। ऑब्वियसली चैनल में फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एक एट्रीब्यूट कह सकते हो आप चैनल का, बैंडविड्थ एक एट्रीब्यूट होता है आपके चैनल का। तो एक फ्रीक्वेंसी पकड़ लीजिए, अब ये है आपकी चैनल और उसमें है फ्रीक्वेंसी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मींस ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहता है फ्रीक्वेंसी को भाई डिवाइड कर दो। लेकिन मल्टीपल एक्सेस क्या, यानी कि जब आपके एक चैनल पे बहुत ज्यादा डिमांड आ जाए, मतलब आपका चैनल बहुत फेमस हो जाए और बहुत डिमांड आ जाए और बहुत सारे यूजर्स उस चैनल को एक्सेस करने की कोशिश करें, बहुत सारे और एट अ टाइम, एट द सेम टाइम बहुत सारे, जब यूजर्स यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर एन, बहुत सारे जब यूजर्स आपके एक चैनल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे कोलिजन होने की बहुत संभावनाएं होती है। इट्स नॉट द गुड वे टू डायरेक्टली गिव ऑल द यूजर्स द चैनल एक्सेस। आपको कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा एफिशिएंट तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू आप इन यूजर्स को मल्टीपल एक्सेस दे सकते हो आपके चैनल को। तो उसमें से जो एक मेथड है वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मतलब आपका जो चैनल है उसको मैं फ्रीक्वेंसीज में डिवाइड करूंगा। मतलब जैसे कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, डिवाइड कर दिया मैंने पूरे चैनल को फ्रीक्वेंसी में। अभी मैं क्या करूंगा, जो ये F1 फ्रीक्वेंसी मैंने डिवाइड की है, ये मैं यूजर 1 को दे दूंगा, ये मैं यूजर 2 को दे दूंगा, यूजर 3 को दे दूंगा। तो सिंपल सा फंडा था बड़ा। लेकिन ये जो बीच में गैप क्या दिख रहा है, गैप इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ गार्ड बैंड। What do we mean by guard band? Guard band मतलब क्या? अभी obviously जब frequencies हैं आपकी, there is a high chance कि division करने के बाद भी ये frequencies interfere करें, ये frequency mix-up होने की संभावनाएं हैं, तो हम लोग इसके बीच में गार्ड बैंड लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, इंटरफेरेंस नहीं होने देता या फिर रिड्यूस करने की कोशिश करता है इंटरफेरेंस को, ताकि F2 F3 ना मिल पाए, F1 F2 इंटरफेयर ना कर पाए और जो फैसिलिटीज हैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 को एफिशिएंटली मिलते रहे। ये देखिए एक डायग्राम, बड़ा ही सिंपल डायग्राम है। यहां पे टाइम कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा कि यहाँ पे इस यूजर को इतने टाइम के लिए दिया जा रहा है, नहीं, टाइम सबके लिए सेम है। यू कैन सी हियर, टाइम जो है वो टाइम पैरामीटर सबके लिए सेम है, डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी। ये वाली फ्रीक्वेंसी यूजर 1 को, फ्रीक्वेंसी यूजर 2 को, 3 को एंड 4 को, इस तरीके से टाइम वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, टाइम सबको सेम मिल रहा है, इसमें टाइम डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो रही है। अभी आ जाते हैं इसके एडवांटेज के ऊपर। ये बड़ा ही सिंपल टू इंप्लीमेंट है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है, सिंप्लिसिटी इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यह है कि भले ही वहां पे मैंने गार्ड बैंड लगाया हो इंटरफेरेंस नहीं होने के लिए, लेकिन फिर भी क्रॉस टॉक हो जाती है। क्रॉस टॉक मतलब किसी के साथ बात कर रहे हो और किसी अनवांटेड पर्सन को क्रॉस टॉक, किसी और बंदे से बात करना शुरू कर दो, कोई आपके बीच में इंटरफेयर कर रहा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी स्टार्ट, ये जो फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर करना शुरू कर देती है। इसलिए मैंने कहा था गार्ड बैंड टोटली रेजिस्ट नहीं करता, लेकिन रिड्यूस करता है इंटरफेरेंस को, लेकिन फिर भी क्रॉस टॉक होती है, इंटरफेरेंस होता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है FDMA का। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि FDMA क्या है। सबसे पहले तो वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, जो आप क्या बोलते हो उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप जिसे कह सकते हो, कि जैसे फ्रीक्वेंसीज कैसे डिवाइड हो रही है, कैसे यूजर्स को असाइन हो रही है और टाइम जो कंस्ट्रेंट है वो चेंज नहीं हो रहा, और इसका एप्लीकेशन कहाँ है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं FDMA को, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो FDMA यूज करता है बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी। रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इनसेम हो एंडसेम हो, बार बार पूछा जाता है, वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स। तो मैंने जितना हो सकता था अपनी तरफ से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको दिया है विदिन 5 मिनट्स। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंटरेक्टिव लगा हो, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वो 3 मैजिकल चीजें कर दीजिए आज, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।